एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रामर गेम। फ्रेंड्स, आज मुझे आपसे एक शिकायत है। मालूम है वो शिकायत क्या है? शिकायत ये है कि हमेशा जब से मैंने ये अपना चैनल शुरू किया है, जब से मैंने ये अपनी वीडियोस बनानी शुरू की हैं, हमेशा मैं ही बोलती रहती हूँ, आप कभी नहीं बोलते। आई ऑलवेज कीप ऑन स्पीकिंग बट यू नेवर से एनीथिंग। हाँ, मैंने क्या बोला? कीप ऑन स्पीकिंग बट यू नेवर से एनीथिंग। शब्द तो एक ही था, बोलना। हमेशा मैं ही बोलती रहती हूँ, मैंने यहाँ पे बोला आई कीप ऑन स्पीकिंग। आप कुछ नहीं बोलते, मैंने यहाँ पे बोला यू नेवर से एनीथिंग। ये क्या मतलब? जब वर्ड एक ही है बोलना, तो फिर मैंने स्पीक भी बोल दिया और से भी बोल दिया, ऐसे कैसे? ये तो बड़ी कंफ्यूजन है, गलत हो गया। आज जो मैं चार वर्ड्स आपके लिए लेकर आई हूं, स्पीक, से, टेल एंड टॉक, ये चारों के चारों कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। चारों का ही मतलब कम्युनिकेट करना ही है, लेकिन फिर भी हम इन चारों वर्ड्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको से, स्पीक, टेल एंड टॉक को कहाँ यूज किया जाता है, किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आपको इन चारों वर्ड्स का मतलब बताती हूँ। से, स्पीक, टेल, टॉक। से का मतलब कहना। से का मतलब कहना, कैसे? से को मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं, यानी कि नरेशन में यूज करते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में या फिर नरेशन के बारे में। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ही सेज टू मी इट इज रेनिंग आउटसाइड। से का मतलब कहना, वह मुझे कहता है बाहर बारिश हो रही है। शी सेज टू मी इट्स सनी आउटसाइड। वो मुझे कहती है बाहर धूप है। से का मतलब कहना। अब मैं आपको बताती हूँ से के लिए, से के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। से के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट इमीडिएटली बाद यूज नहीं होता। कैसे यूज होता है? शी सेज टू मी, He says to me, या फिर से एक वर्ब है, टू से मैंने कहना, और थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं, से, सेड, सेड। अब पास्ट में अगर इसको बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? He said to me, उसने मुझसे कहा। He said to me, He said me अगर हम कह देंगे तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी से के बाद या सेड के बाद, यानी कि से की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कीप इट ऑलवेज इन योर माइंड दैट वी कैन नेवर यूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर से, सेड, सेड। वी हैव टू फिल समथिंग बिटवीन से एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी सेज टू मी, वी हैव फिल्ड हियर टू। She has said to me, we have filled here too. She has been saying to me for 2 hours. वो मुझे 2 घंटे से कह रही है। She has been saying to me. हम ऐसा नहीं कह सकते She has been saying me. गलत हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको माइंड में ये रखनी है कि से के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते, हमें टू का यूज करना है। और दूसरी बात, से का मतलब कहना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस देती हूं, क्या आपने कुछ कहा? डिड यू से समथिंग? क्या आपने कुछ कहा? डिड यू से समथिंग? मैंने कुछ नहीं कहा, आई डिड नॉट से एनीथिंग। क्या क्या समझ नहीं आया? वर यू सेइंग समथिंग टू मी? क्या आप मुझे कुछ कह रहे थे? अच्छा अच्छा यू आर सेइंग समथिंग टू मी, आप मुझे कुछ कह रहे थे। मैंने आपको बताया से के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा,
अगर मैंने ये बोला वर यू सेइंग समथिंग टू मी, समथिंग हेयर इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट है मी, यू, हिम, हर, देम, एटसेट्रा एटसेट्रा. अगर ये सब से के बाद इमीडिएटली यूज होंगे तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं और सेंटेंस गलत हो जाएगा. ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब मैं आपको एक और यूज बताती हूँ से का. से का जो एक और यूज है उसमें कई बार ऑब्जेक्ट हिडन होता है. जैसे ये कहा जाता है, इट इज सेड. ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई तो कहेगा ही, कोई ना कोई तो बोलेगा ही, किसी ना किसी के द्वारा तो कहा जाएगा ही. इट इज सेड, ये कहा जाता है. इसलिए यहां पर सिर्फ सेड बोला गया और सेड के आगे कुछ नहीं कहा गया. क्यों? क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट हिडन है. इस बात का भी हमें ध्यान रखना है. ये थे सारे के सारे यूजेस जितने भी मैंने आपको बताए से के. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड जो कि है टेल. टी ई डबल एल टेल. टू टेल मैंने आपको बताया टेल का मतलब बताना. टू टेल मैंने बताना. टू टेल वर्ब है. इसकी थ्री फॉर्म्स टेल, टोल्ड, टोल्ड. अब इसको कैसे यूज करेंगे? मैंने आपको बताया था ना, आई हैड टोल्ड यू. थर्ड फॉर्म क्यों? पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंबल्स हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और मैंने अभी अभी आपको बताया टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड. मैंने आपको बताया था ना, आई हैड टोल्ड यू. क्या मैंने नहीं बताया था आपको? हैड आई नॉट टोल्ड यू? क्या मैंने आपको नहीं बताया था? हैड आई नॉट टोल्ड यू. टेल का मतलब बताना. आई विल टेल यू अ स्टोरी. मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी. क्या मैंने आपको कोई स्टोरी बताई? डिड आई टेल यू अ स्टोरी? यानी टेल का मतलब बताना और टेल की थ्री फॉर्म्स टेल, टोल्ड, टोल्ड. अब इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जैसे मैंने आपको बताया से के इमीडिएटली बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, यहां पर टेल के इमीडिएटली बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है. जैसे आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑब्जेक्ट. आई टोल्ड यू, यू इज अ ऑब्जेक्ट. आई विल टेल यू, यू इज अ ऑब्जेक्ट. हैड आई टोल्ड यू, क्या मैंने आपको बताया था? यू, यू इज अ ऑब्जेक्ट. मुझे याद नहीं आ रहा बट शायद मैंने आपको बताया था. आई डोंट रिमेंबर बट आई माइट हैव टोल्ड यू. टोल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ टेल. आई माइट हैव टोल्ड यू, शायद मैंने आपको बताया था. तो ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम टेल का यूज करेंगे टेल के बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. ये था यूज टेल का. लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड जो कि है स्पीक. स्पीक का मतलब बोलना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्पीक को हम लैंग्वेज में यूज करते हैं. जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. आई कैन स्पीक फ्रेंच वेरी वेल. कैन यू स्पीक इन जापानीज? ये ज्यादा से ज्यादा यूज जो स्पीक का होता है ये लैंग्वेज में ही होता है. लेकिन और भी एक एग्जांपल देती हूँ जहां पर आप स्पीक का यूज कर सकते हैं. मान लीजिए आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल नहीं बोलता, किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं लेता, कभी इनिशिएटिव नहीं लेता, और अचानक से आप देखते हैं कि उस बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया है, इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, तो टीचर बड़ी खुश होती है और अपनी कोलिग्स को बताती है, अपने सारे कलीग्स को बताती है, नाउ दिस चाइल्ड हैज स्टार्टेड स्पीकिंग. अब इस बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया है. मान लीजिए आपके घर में छोटा बेबी है, वो अभी लिस्परिंग करता है, तुतलाता है, वो ठीक से बोलता नहीं है. आप बहुत टेंस होते हैं, बहुत वरिड होते हैं. व्हेन विल ही स्टार्ट स्पीकिंग? ये बोलना कब शुरू करेगा? व्हेन विल ही स्टार्ट स्पीकिंग? स्पीक भी एक वर्ब है. टू स्पीक मैंने बोलना. थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर स्पीक, स्पोक, स्पोकन. ऐसे हम स्पीक का यूज करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड
जो कि है टॉक। टॉक का मतलब बातचीत करना, कन्वर्सेशन, चाहे फॉर्मल कन्वर्सेशन या फिर इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, दोनों के लिए हम टॉक का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, लेट्स टॉक टू ईच अदर, आओ एक दूसरे से बात करें। लेट्स टॉक टू ईच अदर कन्वर्सेशन है, चाहे वो कितने भी लोगों के साथ की जा सकती है, एक के साथ भी, दो के साथ भी, पांच के साथ भी, दस के साथ भी, पचास के साथ भी। जैसे टीचर क्लास में कहती है डोंट टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत मत करो, या फिर डोंट टॉक, बातचीत मत करो। टू टॉक भी एक वर्ब है जिसका मीनिंग है बातचीत करना। थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। टॉक को हम फॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए, जस्ट अज्यूम, आपको किसी ने कहा कि आपकी भाभी कह रही थी सेल लगी है, आप उनके साथ मार्केट जाओगे। आपने क्या कहा? अच्छा, भाभी मेरे बारे में कह रही थी कि मैं उनके साथ मार्केट जाऊंगी, ओके, पहले मैं उनसे बात कर लूं, फिर मैं आपको कंफर्म करूंगी। पहले मैं उनसे बात कर लूं, या फिर पहले मुझे उनसे बात करने दो। लेट मी टॉक टू हर फर्स्ट, देन आई कंफर्म यू। पहले मुझे उनसे बात करने दो, फिर मैं आपको कंफर्म करूंगी। ऐसे हम यूज करेंगे टॉक का। ये सारे यूजेस थे टॉक के। तो ये थे आज के हमारे चार वर्ड्स जिनका मैंने आपको मीनिंग बताया है, और इनको कैसे यूज करना है ये आपको एक्सप्लेन किया है। एक बार शॉर्ट में मैं आपको रिविजन करवा देती हूँ इन चारों वर्ड्स की मीनिंग की। टू से, टू से मैंने कहना, से, सेड, सेड। टू टेल, टू टेल मैंने बताना, टेल, टोल्ड, टोल्ड। टू स्पीक, टू स्पीक मैंने बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। एंड द लास्ट वर्ड टू टॉक, टू टॉक मैंने बातचीत करना, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। इन सिचुएशंस में हम से, स्पीक, टेल और टॉक का यूज करते हैं, जो मैंने आपको बताया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप वो पहली लाइन याद कीजिए, जब मैंने वीडियो शुरू की थी मैंने एक लाइन बोली थी, और वो ये लाइन थी, मुझे आपसे एक शिकायत है कि हमेशा मैं ही बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, पर आप कभी कुछ नहीं कहते। और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने की थी, आई कीप ऑन स्पीकिंग, 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 बट यू नेवर से एनीथिंग। तो स्पीकिंग, हमेशा मैं ही बोलती रहती हूँ, टू स्पीक मैंने बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, मैं ही बोलती रहती हूँ, आई कीप ऑन स्पीकिंग, पर आप कुछ नहीं कहते। टू से मैंने कहना, से, सेड, सेट, बट यू नेवर से एनीथिंग। अब आपको सही से, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक्यूरेटली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने स्पीकिंग और से क्यों यूज किया, और इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है। जो मेरा मकसद था, जो मेरा एम था आपको ये चारों वर्ड्स को क्लियर करने का, आई होप मेरी ये कोशिश कामयाब रही होगी, सक्सेसफुल रही होगी, और आपको बहुत अच्छे से ये चारों के चारों वर्ड्स समझ आ गए होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत से लोग इन चारों वर्ड्स को कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है समझ सकें, और फ़ायदा उठा सकें इस वीडियो का, ताकि उन लोगों को भी आ जाए, आपके फ्रेंड्स को भी आ जाए, और आप सब इकट्ठे एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बातचीत कर सकें। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो यू विल हिट द लाइक बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट अ कमेंट। थैंक यू।